प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है चेतावनी, कहा आतंक का रास्ता छोड़े पड़ोसी। अमन की राह पर अकेले नहीं चल सकता हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री बोले पाकिस्तान को भी साथ चलना होगा। इंडिया एलोन कैन नॉट वॉक द पाथ ऑफ पीस, इट ऑल्सो हैज टू बी पाकिस्तान जर्नी टू मेक। रायसीना डायलॉग में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने चीन के साथ रिश्तों का भी जिक्र किया, कहा दोनों देशों को आगे बढ़ने की जरूरत। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय, अजीत सिंह की पार्टी भी होगी शामिल, जल्द होगा सीटों का ऐलान। पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में जारी है माथापच्ची, कांग्रेस को मिल सकती हैं 100 के करीब सीटें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर माथापच्ची, राम गोपाल यादव और नरेश अग्रवाल ने अखिलेश के साथ की बैठक। आज फिर से मुलायम से मिले अखिलेश, नेताजी के घर पर शिवपाल से भी मुलाकात। 5 मिनट चले पिता और चाचा से अखिलेश की मुलाकात, कहा अटूट है नेताजी के साथ रिश्ता। नर्म पड़े मुलायम सिंह के सुर, शिवपाल के बेटे बहू समेत 38 लोगों के टिकट के लिए नेताजी ने भेजी अखिलेश को लिस्ट। मुलायम की फहरस्त में 25 को अखिलेश की हरी झंडी, 13 पर मतभेद। सीएम उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार, शीला दीक्षित, कहा अखिलेश होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बीच उबलने लगा सियासी पारा, आपस में भिड़ गए दोनों पार्टी के समर्थक। गठबंधन की खबर पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान, समाजवादी पार्टी के गुंडा गर्दी भरे इतिहास का दिया हवाला। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अखिलेश गुट ने मजबूत किया कानूनी दांव, सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैवियट। इसी के फैसले के खिलाफ मुलायम की कोई भी चुनौती पड़ेगी कमजोर, अखिलेश गुट की दलील सुने बिना पास नहीं होगा कोई भी ऑर्डर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर बीजेपी का तंज, मायावती से भी तालमेल की दी नसीहत। भाजपा की ताकत बढ़ती हुई देख करके ये घबरा करके एकजुट हो रहे हैं सारे विरोधी, और मैं चाहता हूं कि अभी बहन मायावती जी को भी अपने साथ जोड़ ले। अमित शाह समेत यूपी बीजेपी के नेता टिकटों को लेकर माथापच्ची, 19 जनवरी को चुनाव कमेटी की है बैठक। बर्खास्तगी के बाद बीएसपी पर भड़के अमरपाल शर्मा, टिकट के लिए 5 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक अमरपाल शर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन, कल बीएसपी ने कर दिया था बर्खास्त। समाज पार्टी को छोड़ के मैं अपने हजारों लोगों के साथ कांग्रेस में दोबारा से शामिल हो रहा हूं, क्योंकि दल बदल में फंसे विधायक गुड्डू पंडित बीजेपी से पत्ता कटने के बाद फिर मुलायम की शरण में पहुंचे। उत्तराखंड में बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस की चुटकी, सीएम हरीश रावत बोले वंशवाद की आ रही है बू। देहरादून में बीजेपी दफ्तर पर बवाल, टिकट को लेकर दो गुटों में हंगामा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का रोड शो, अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। कल पर्चा भरेंगे सिद्धू, अकाली दल के खिलाफ जमकर किया प्रचार और साधा निशाना। हाँ, इस गुरु नगरी में और पंजाब में धर्म की स्थापना कर, जय की स्थापना कर, अच्छाई की स्थापना कर, नेकी की स्थापना कर, और बदी को हरा होगी हार, अटल है क्योंकि भक्त की पुकार गुरु सुनता है। मुरैली से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे सिद्धू, भारी तादाद में समर्थकों के साथ टेका मत्था। पटियाला से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पर्चा दाखिल किया, कल लंबी से भरेंगे नामांकन। नॉमिनेशन से पहले काली मंदिर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं सेना के पूर्व जनरल, अकाली दल के उम्मीदवार हैं जे सिंह। पर्चा दाखिल करने के बाद जनरल जे सिंह पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमला, कहा औसत दर्जे के थे पूर्व सेनाध्यक्ष।
सिंह, और जे जे सिंह तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं ना। कल तो कह रहे थे कि मेरे वोटर इनडिसिप्लिन है, टाइम से ना आए। मेरा 40 साल हो गए ना इसको फौज में, थोड़ा सा भूला नहीं कि मैं फौज छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन, जनरल जे सिंह ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया पलटवार, कहा फौज से भागे थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। मैं कैप्टन साहब को पूछना चाहता हूं, उनको फौज कब याद आई? 2 साल में तुम दबा के फौज से भागे, उनके 63 में कमीशन हुई, 65 के जनवरी फरवरी में भाग गए। उन्होंने तो सिर्फ टिप्स लगाने थे, बाकी सेवा नहीं की। पंजाब को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावे, केजरीवाल बोले 11 मार्च को सुबह 11 बजे तक शपथ ले लेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को फिर से घेरा, सरकार बनने पर 15 मार्च तक अकाली नेता मजीठिया को जेल भेजने का किया ऐलान। सिद्धू पर केजरीवाल का हमला, बोले कांग्रेस में जाने से गिरी सिद्धू की साख। केजरीवाल ने फिर दोहराई सीएम नहीं बनने की बात, कहा राज्य का ही कोई शख्स होगा पंजाब का मुख्यमंत्री। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अकाली नेता बीबी जागीर कौर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज के मर्डर केस में सजा के खिलाफ याचिका। राहुल गांधी के हाथ वाले बयान पर चुनाव आयुक्त से बीजेपी की शिकायत, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग। आयोग को कड़े से कड़े कदम और कार्रवाई की जाए, क्या सिंबल को जो है और सिंबल को भी सीज किया जाना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली पर ध्यान नहीं देने का आरोप। करीब 6 महीने बाद गुजरात लौटे हार्दिक पटेल, हिम्मतनगर में की बड़ी रैली, 200 गाड़ियों के समर्थकों के साथ गुजरात पहुंचे हार्दिक टोल नाके पर बवाल। बीएसएफ के जवान के वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को भेजा नोटिस, सरकार से भी मांगा जवाब। वैसे जवान के खराब खाने वाले वीडियो को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई है PIL, 27 फरवरी को है अब अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने थपथपाई, जायरा वसीम की पीठ अलगाववादियों पर साधा निशाना। जम्मू में जायरा का क्रेज, युवा खिलाड़ियों से मिली दंगलगर। तमिलनाडु में जयललिता की विरासत के लिए जंग, चेन्नई में सड़कों पर उतरे जयललिता की भतीजी दीपा के समर्थक। दीपा ने शशिकला पर किया सीधा वार, कहा महासचिव चुनने में पार्टी ने कर दी गलती। जोधपुर पहुंचे सलमान खान, काले हिरण केस में कल अदालत में है पेशी। सीना बोरा मर्डर में इंद्राणी, पीटर मुखर्जी और राजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय, तीनों पर हत्या और आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सीना बोरा केस में नया मोड़, पति पीटर से तलाक चाहती हैं इंद्राणी। दिल्ली में सेल्फी के शौक ने ली 2 छात्रों की जान, रेलवे ट्रैक पर कर रहे थे स्टंट। दोनों लड़कों के परिजनों ने बाकी के 5 लड़कों पर लगाया साजिश का आरोप, परिवार वालों को झूठ बोलकर घर से निकल गए थे तीनों। दिल्ली से सटे गुड़गांव में NSG में 4 साल की बच्ची से बलात्कार, पार्क में खेलने गई थी मासूम। दिल्ली पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, ट्रेन के सामने कूद कर दे दी अपनी जान। कर्नाटक का रहने वाला था सिपाही तिप्पेस्वामी, सुसाइड नोट के अनुसार डिप्रेशन में था। कानपुर रेल हादसे में ISI की साजिश का शक, बिहार के मोतिहारी से 3 गिरफ्तार। 20 नवंबर को कानपुर में हुआ था हादसा, दुबई में छिपा था शमशुल हुदा, हो सकता है मास्टरमाइंड। मुंबई के बांद्रा में खेरवाड़ी जुग्गियों में भीषण आग। जोधपुर में पानी से भरे गड्ढे में गिरी एक कार, 3 महिलाओं की मौत। फैजाबाद में आग के किनारे बैठे लोगों पर गिरा ट्रक, 2 की मौत। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी लेने वाले 3 शूटर गिरफ्तार, 80 लाख रुपए लिए थे। बिहार के जहानाबाद के स्कूल में 12वीं साल की छात्रा से बलात्कार, प्रिंसिपल और 3 शिक्षकों पर आरोप। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के अनुसार होगी रैंकिंग। IMF ने 1% घटाया देश का GDP का अनुमान, चीन फिर से बन सकता है दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला देश। कालेधन के सारे रास्ते बंद करने के लिए सरकार ने बढ़ाया दबाव, बैंकों ने KYC के तहत ग्राहकों से मांगा पैन कार्ड का लिखित ब्यौरा। जल्द ही आधार बनेगा यूनिवर्सल पेमेंट ID, भीम ऐप के साथ होगा इंटीग्रेट, डिजिटल भुगतान करना होगा आसान।
दिसंबर में घरेलू हवाई रूट्स पर यात्रियों की तादाद में 24% की बढ़ोतरी, 2016 में मुसाफिरों की तादाद 10 करोड़। एयर एशिया का 2017 अर्ली बर्ड शुरू, 407 रुपए शुरुआती किराया, 877 रुपए में गोवा से हैदराबाद बेंगलुरु का सफर। मार्च के बाद भी जारी रह सकती है जियो की फ्री सेवा, जियो ने अब तक जुड़े हैं 7.25 करोड़ ग्राहक। जापानी कार कंपनी निस्सान लॉन्च सनी का नया अवतार, 7,91,000 रुपए होगी शुरुआती कीमत। रेनो ने कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लॉन्च किया क्विड का स्पेशल एडिशन, लव फॉर मोर की कीमत है 2,93,000 रुपए। 52 अंकों की गिरावट के साथ 27,235 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 14 पॉइंट्स गंवाकर 8,398 पर बंद। बर्फबारी ठंड की वजह से वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की तादाद घटी, बोर्ड ने पुरानी गुफा से दर्शन की इजाजत दी। सिक्किम में कई जगहों पर भारी बर्फबारी, सैलानियों की उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, शीतलहरी की चपेट में कश्मीर घाटी में एक डिग्री और गिर गया तापमान। कड़ाके की ठंड में सैलानियों की मदद के लिए श्रीनगर में सामने आए स्थानीय लोग, डल झील के किनारे लगाया कहवा का स्टॉल। गुलमर्ग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंच गया है तापमान, पहलगाम में -12 डिग्री तक लुढ़क गया तापमान। भारी बर्फबारी से घाटी में लोगों की बड़ी मुसीबतें, लगातार दूसरे दिन भी ठप रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे।